लास्ट लास्ट वीक आपसे बात नहीं हो पाई थी, मैं स्टूडियो में नहीं था, बाहर था। लेकिन क्या क्या लेवल्स लग रहे हैं, क्या आपका रुझान बन रहा है इस समय मार्केट को लेके? बड़ा रेंज में से आ गया है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों। देखिए, मार्केट एक ऐसे पड़ाव पर है जहां ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है। ऑलरेडी काफी गहरा करेक्शन हो चुका है। 18,200 300 से हम 16,950 तक चले गए थे, और मार्केट यहां से पलटना चाह रहा है पर अभी तक पूरी तरह से पलटा नहीं है। तो मैं इसको और सारांश में कहूं, टू लेट टू सेल एंड श्योरली इट्स अ लिटिल अर्ली टू बाय। परसों जैसे S&P 500 पे भी हैमर कैंडल बन गई थी इंट्राडे में, ऑन अ डेली कैंडल, और वहां से लगातार बाजार घूम गया, कल वापस आ गया एक नए नीचे के स्तर पर, क्योंकि नैस्डैक बहुत बुरी तरह पिट गया। तो अब नैस्डैक पे अगर नया लो आ गया तो क्या ये यहाँ पे बेचने का सिग्नल है? मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा बेयर ट्रैप बन रहा है नैस्डैक पे, पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, अगले एक दो दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर फांग स्टॉक्स के रिजल्ट्स को लेकर अब मार्केट में नई अनिश्चितता को एक कारण मान लिया जा रहा है, अगर तो हम मैंने देखा सारे स्टॉक्स को जाके, फेसबुक, मेटावर्स, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, इन सारे ही चार्ट्स को देखा, तो कल जो टेस्ला में एक ज्यादा जोर की गिरावट आई, उसके सिवा बाकी के सारे स्टॉक्स बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैरल को किस कर रहे हैं। लगता है कि बस ये इंतजार में यहाँ से पलटेंगे। तो ऐसे पॉइंट पर एक बड़ा कॉल ले लेना कि यहाँ से नया लो आ गया नैस्डैक में, तो नैस्डैक को बिल्कुल पीट दिया जाए, वो बिल्कुल गलत होगा। रुझान अभी भी 22 सिग्नल के आने पर जोरदार बाइंग करने का है, सिग्नल अपेक्षित है, अभी तक आया नहीं है। तो लास्ट 2 दिनों की मंदी को देख के सिर्फ उस बहाव में बह जाना इमोशंस के कि नया लो आ गया बेच दो, वो हमें ठीक नहीं लग रहा है बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर्स को देखते हुए। तो अब अगर इन दो मुख्य मार्केट से हम वापस लौटे निफ्टी निफ्टी की तरफ, तो अगर कल निफ्टी मुझे 17,200 के आसपास, 17,175 का बंद दे देता है कल, तो यहाँ मेरा बाई सिग्नल आ जाएगा। और नैसडेक ने आज नया लो बना दिया और S&P वापस पुराने लो के आसपास आ गया, निफ्टी तो आज भी नए लो के नीचे नहीं गया। तो एक दो दिन देखना चाहिए और यहाँ से बाजार पलटना चाहिए, ऐसा ही मेरा अनुमान है। अनिश्चितता वाली बात से मुझे एक बात याद आई हरिवंश राय बच्चन की, कि आई मीन वो यहाँ फिट बैठती है कि बाजार का अनिश्चितता के साथ वही रिलेशनशिप है जो जीवन का संघर्ष के साथ है। जब तक बिल्कुल जीवन है तब तक संघर्ष है, जब तक बाजार रहेगा तब तक अनिश्चितता रहेगी। हमारा काम है उसे नेविगेट करके आगे बढ़ना। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे एक सेक्टर पे पूछना चाहूँगा जो काफ़ी लंबे अनिश्चितता के काल से बाहर आ रहा है, और वो है ऑटो सेक्टर। आज तीसरा दिन है, हीरो मोटोकॉर्प आज का स्टार है, 4% ऊपर, अंडर ओन था, दुनिया भर की नेगेटिवनेस लग रहा है इसमें हो गई है प्राइसिंग। और हमने डीलर एसोसिएशन के हेड से बात की, वो कह रहे हैं 8 लाख गाड़ियों की अनमेट डिमांड है, मतलब डिमांड बराबर है, जहां सप्लाई इश्यूज थोड़ा ठीक होते गए तो शायद वॉल्यूम टेक ऑफ कर जाएंगे। बट चार्ट्स पे क्या ये सारी चीज़ें या प्राइसिंग हो रही है? अगर किसी को बेट लेना हो इस अंडरग्राउंड एरिया में तो कौन से स्टॉक्स आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर बेहतर हैं? देखिए, ऑटो भी एक अपने आप में बड़ा ही फैला हुआ सेक्टर है। जैसे भारत में बहुत सारे स्टेट्स और प्रांत हैं, तो ऑटोस में आपके जो एक टू व्हीलर्स हैं, अब इनमें एक देर से एक डीले के साथ नई जान आई है, नए प्राण आए। बजाज ऑटो बिल्कुल ऊपर फट गया और हीरो मोटोकॉर्प की अगर आपकी चार्ट देख पा रहे हैं तो यहाँ से अच्छा रिवर्सल बना है। अब ऊपर अगर 2597 समझ लीजिए, 2600 का जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये लाल रेखा, ये जब क्रॉस हो जाए तो उसके बाद हम इसको 3200 तक के लिए एक बार पकड़ेंगे, फिर आगे देखेंगे 3200 पे क्या होता है। बजाज ऑटो ऑलरेडी फट चुका है, थोड़ी सी देर हो गई है, या मोमेंटम को जो पकड़ना जानते हैं बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ वो कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो आपसे हमने 2 सप्ताह पहले खरीदारी करवाई थी, वो बिल्कुल भाग चुका है। पर वहीं आपके टाटा मोटर्स और मारुति थोड़े से संकोच सकुचाए हुए से हैं, अनिश्चित हैं। और टायर के स्टॉक्स जिन पर हम काफी समय से बुलिश हैं, वो अब ऊपर का मोमेंटम पकड़ चुके हैं। तो एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी, एस्कॉर्ट्स अब पलटने की तैयारी में लग रहा है और अशोक लेलैंड चार्ट्स के अनुसार चलता चला गया, जहां के अभी तक फंडामेंटल्स की स्टोरीज पर कैचअप नहीं हुई है। तो मिक्स्ड है ये सेक्टर। और हीरो मोटोकॉर्प में अभी फिलहाल लैगार्ड में आज यहाँ बाइंग का मोमेंटम बन रहा है, तो इस मोमेंटम के साथ ही रहना चाहिए, यहाँ बेचने का मतलब नहीं है।
आफ्टरनून सुशील, ऐसे में अगर एक व्यू आपसे आपका व्यू आईटी पर लेना हो कि अब क्या लगता है आपको कि आईटी में अच्छी खासी सेटिंग आ चुकी है या अभी और कमजोरी दिखती है आपको, आपको लगता है कि यहाँ ये बाय ये डिप्स जो है ये बॉट होने चाहिए या अभी और रुके इंतजार करें? देखिए आईटी के मेजर स्टॉक्स को जिस तरह से लाके एक नीचे के लो पे आज यहाँ खड़ा है मार्केट, मुझे लग रहा है बस वो नैसडेक के कुछ रिजल्ट्स के इंतजार में यहाँ से किसी भी टाइम जब पलटवार अगर आया तो जितना बड़ा कंसेंसस बन गया है सभी विद्वानों के बीच और उस वजह से रिटेल भी उसी सेंटिमेंट को मिमिक करने लगता है, बहुत डीप कंसेंसस हो गया कि आईटी में परफॉर्मेंस नहीं आएगा, वो नॉन परफॉर्मेंस आईटी का ऑलरेडी हो चुका है यहां से, तो एक रिवर्सल यहां से किसी भी समय बने, एक दो दिन और मुझे लगता है समय है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इंफोसिस नए हाई पे चला जाए और विप्रो नए हाई पे भी चला जाए और HCL टेक है या टेक महिंद्रा है तो हम शुरू में लार्जेस्ट कैप मार्केट लीडरशिप आईटी स्टॉक्स पे ही बेट करेंगे जैसे रिवर्सल आता है और उसके बाद बाकी के छोटे शेयर्स में भी जाएंगे। पर मुझे यहाँ आप इस सवाल को अगर मैं हम परखने के लिए बात को पलटे कि क्या आईटी शेयर्स में यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेक्निकली कोई सेल सिग्नल सपोर्ट हो सकता है यहाँ से बेच के या शॉर्ट करके पैसा बन जाए, मुझे बिल्कुल संभावना नहीं दिखती है। तो जैसे ये पलटेंगे हम इन पे चढ़ेंगे। आईटी स्पेस पर तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है, आजा आई शुड से हरिवंश राय बच्चन जी की कविता को बाजार के साथ कनेक्ट करना और वो भी क्रिस्प में। एक्चुअली सुशील जी ऐसे है ना कि ये खुद ही हिंदी के बड़े विद्वान हैं और बाजार को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो इनसे बात करते करते ना दिमाग खुलने लगता है। बिल्कुल, चलिए फिर सुशील जी बताएं आज के लिए आपके जेनरिक अपार्ट फ्रॉम आईटी स्टॉक आइडियाज फिर कौन से होंगे? देखिए सीमेंट के स्टॉक्स पे जो हम आपके साथ 2-3 सप्ताह से लगातार बुलिश थे, अभी भी उनमें जो इंटरिंग करेक्शंस और कंसोलिडेशन पैटर्न्स बनने के बाद फर्दर बाइंग ब्रेकआउट्स है। ग्रासिम 1710 के ऊपर चले तो 31 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप 1950 की उम्मीद पर इसे ले सकते हैं। इंडिया सीमेंट भी 210 के ऊपर चले 200 का स्टॉप लॉस लगा के 260 के लिए ले सकते हैं। रैमको 820 के ऊपर चले 800 का स्टॉप लॉस लगा के आप 1000 के लिए ले सकते हैं। पर इवन अल्ट्रा सेमको 6700 के ऊपर जाए, थोड़ा ये वॉलेटाइल ज्यादा है, बहुत रफ्तार से ऊपर नीचे आता जाता है, तो आप इसे 301 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़ के 8400 के लिए ले सकते हैं। और बैंक्स के अंदर जैसा कि बैंक्स विद इन बैंक निफ्टी ऑल्सो सबकी अलग अलग चाल रहती है, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक जो यहाँ थोड़ा छलावा कर रहा है 997 के ऊपर चल जाए तो 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप सीधे 200 रुपए की तेजी के लिए ले सकते हैं। और NBFCs में भी जो बहुत विशाल का एक क्षेत्र है अपने आप में, बहुत अलग अलग प्रकार की NBFCs है, उसमें एक NBFC की चार्ट पर हम गिद्ध दृष्टि दड़ाए बैठे हैं कि मुथूट फाइनेंस इसे इस वक्त तो मीठे मीठे अक्यूमुलेट करना है, लिवरेज्ड लार्ज पोजीशंस नहीं लेनी, आप डिलीवरी लेने के ही जितनी क्षमता की पोजीशंस को बनाए मीठे मीठे SIP करके, पर जिस दिन ये 1320 के ऊपर चल पड़े तो हमें लगता है 1750 की चाल आ जाएगी। और ये जो HDFC और HDFC बैंक भी जो सबसे ज्यादा कूट दिए गए हैं, और वो अगर आज थोड़ा सा कविता दोहा शायरी की बात का माहौल है तो जो कबीरदास जी कहते हैं ना, निर्बल गुण सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लौ भस्म हो जाए। मुझे लगता है HDFC बैंक की चार्ट्स में जो रंगत आ गई है यहाँ पर सिर्फ मोमेंटम को देख के शॉर्ट करने वाले को 10% का चमाट कभी भी लग सकता है। और दुनिया भर के कैश के स्टॉक्स हैं जहाँ हमें 3-4 महीने के व्यू से यहाँ अच्छे एंट्री सिग्नल्स मिल रहे हैं, जहाँ 50-75% तक की भी अप मूव, तो इस वीक हम ऐड करेंगे रेडिको, एलगी इक्विपमेंट्स, इमामी, डीमार्ट भी, डीमार्ट और थोड़ा सा ऊपर बंद आ जाए 2-3% और तो फिर एक टेबल ठोक बड़ा सौदा बनता है 50-75% की अपमूव का। और एक बड़ा ही रोचक सेक्टर है ये जो न्यू एज स्टॉक्स जिनके बड़े IPOs हुए, शोषा हुआ और फिर धुआंधार कुटाई हुई, तो मैं हालांकि सलाह नहीं दूंगा PTM पर निवेश करने की, पर जो पंट करना जानते हैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फटाफट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, तो यहाँ रिवर्सल बैठ जाए बाजार का तो पेटीएम जैसा भी स्टॉक, मेरे शब्दों का तात्पर्य स्पष्ट बिल्कुल मुझे लग रहा है हो गया होगा, पेटीएम जैसा स्टॉक भी यहाँ से 50% चल सकता है। तो इसी तर्ज पर अब नजारा टेक्नोलॉजी में आज हमारे लिए एक बाई सिग्नल आ गया है, इसे हम टुकड़े टुकड़े में पोजिशन को एक्सपैंड करेंगे, पर अगर यहां से अप ट्रेंड चल पड़ा नजारा में तो 2-3 गुना यहां से 6 महीने में हो जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये मैं सिर्फ चार्ट के तर्ज पर कह रहा हूँ। क्या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील ये सारी पिक्स हमसे शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ओपिनियन इन सभी मैटर्स पर शेयर करने के लिए।